इस टॉपिक का टाइटल है कॉन्फिगरिंग एंड डिवाइसेस इन पैकेट ट्रेसर तो सबसे पहले इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू कॉन्फिगर एंड डिवाइसेस इन पैकेट ट्रेसर एंड डिवाइसेस हमारे कौन से पीसीज हैं हमारे हमारे लैपटॉप्स हो सकते हैं सर्वर्स हो सकते हैं तो इनकी कॉन्फिग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक में यूज होने वाला जो फिगर्स हैं जो मटीरियल है दे हैव बिन अडेप्ट फ्रॉम दिस बुक विद टाइटल पैकेट प्रेसर नेटवर्क सेमुलेटर और ये बुक टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में पब्लिश हुई है आप क्या करें क्लिक ऑन एन एंड डिवाइस इन द वर्क स्पेस एंड देन गो टू द डेस्क टॉप टैप आपने अगर कोई वर्क uh, स्पेस में आपकी कोई एंड डिवाइस अवेलेबल है कोई पी सी है या जो सर्वर है वो कोई अवेलेबल है तो आप क्या करें जो ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलाग बॉक्स हो जाता ओपन अप हो जाता है उस डायलाग बॉक्स में से आप क्या करें जो डेस्कटॉप का जो टैब है उसको आप क्लिक कर दें वहाँ पे आपको क्या नज़र आएंगी लॉट ऑफ यूटिलिटीज़ आर अवेलेबल थे दिस कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग एंड डी बर्गिंग अगर आप देखें हमने क्या किया वहाँ पे हमारे जो वर्क स्पेस में एक पी अवेलेबल था हमने उसको क्लिक किया क्लिक किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन अप हो गया उसके अंदर जो टैब्स अवेलेबल हैं वो फोर हैं फिजिकल कॉन्फिग डेस्कटॉप कस्टम इंटरफेस हमने डेस्कटॉप का जो टैब था उसको सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप के जो टैब उसको सेलेक्ट करने के बाद ये सारी यूटिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं डायलॉग यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल है कमांड प्रॉम्प्ट है वेब ब्राउजर है पीसी वायरलेस है वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ट्रैफिक जनरेटर है मेब ब्राउज़र है जो एस में यूज़ हो सकता है सिस्को का आई कम्युनिकेटर है जो आई जो वॉइस ओवर आई के साथ यूज़ हो सकता है ई है पी पी ओ ई डायलर है टेक्स्ट एडिटर है फायरवॉल है आई पी वर्जन सिक्स का फायर वॉल है तो इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ आपके पास नज़र आ रही हैं सबसे पहले हम आई पी कॉन्फिग्रेशन की जो जो फैसिलिटी है उसको देखते हैं इस इस यूटिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं आई पी एड्रेस असाइन कर सकते हैं स्टेटिस्टिकली स्टैटिक uh, और या डाइनमिक आई पी एड्रेस असाइन कर सकते हैं अपने जो एंड डिवाइसेस को स्टैटिक आईपी करेंगे तो हर दफ़ा जब भी आप उस सिस्टम को यूज उस डिवाइस को यूज़ करेंगे वही आईपी एड्रेस होगा लेकिन अगर आप डायनेमिकली असाइन डायनेमिकली यूज करना चाह रहे हैं तो आपको एक डी सर्वर बनाना पड़ेगा अपने नेटवर्क के ऊपर सो दैट वो आई जो एंड डिवाइस है वो डायनेमिकली आपका जब आई एड्रेस अटेन कर सकें तो इफ़ यू चूज टू एंटर स्टैटिक आई एड्रेस तो जो सबन जो मास्क फील्ड होती है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द आई एड्रेस अगर आप क्या करना चाह रहे हैं आप चाहते हैं कि जो आपका एंड डिवाइस है वो आई एड्रेस डायनेमिकली ऑप्टेन करें तो यू हैव टू चूज डी एच सी पी देर और इस मकसद के लिए आपको एक फिर एक सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर जो क्या होगा डी एच सी पी सर्विस रन कर रहा होगा अब जो नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी है वो है डायलप की एंड डिवाइस सचेज पी सी पी टी लैपटॉप पी टी हैव दी सी होस्ट डैश एन एम डैश वन एम तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं इस मोड्यूल के साथ इस यू इस यूटिलिटी और इस मोड्यूल को यूज़ करके आप एक मॉडर्न डायलर को क्या कर सकते हैं सिमुलेट कर सकते हैं फिर जो हमारे पास नेक्स्ट यूटिलिटी अवेलेबल है उसका नाम है टर्मिनल इस यूटिलिटी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द कंसोल पोर्ट सर्वर जो पी है इट डज नाट नॉट डॉय दिस यूटिलिटी एज इट डज नॉट हैव दिस इंटरफेस तो सर्वर के ऊपर आर एस टू थ्री टू का जो इंटरफेस है सेंस वो अवेलेबल नहीं है तो पैकेट ट्रेसर में तो यो ये टर्मिनल का जो है यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हमारी नेक्स्ट यूटिलिटी है उसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है ये बिल्कुल वही कमांड प्रॉम्प्ट है जो आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप यूज़ करते हैं तो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट आपको नजर आती है ये उस तरह का सिमलेसन है तो आप क्या इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाके क्या किस तरह की कमांड्स एंटर कर सकते हैं आपकी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल डिलीट डायरेक्टरी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हेल्प आई पी कॉन्फिग्रेशन नेट सैट एन एस लुकअप पिंग एस एस ट्रेस राउट इस तरह की जो कमांड्स हैं आप इस कमांड प्रॉम्पे बजा के आप एंटर कर सकते हैं और आपकी जो जो नेटवर्क है उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको चेक कर सकते हैं राउटर्स के या दूसरे जो सर्वरज हैं उनकी जो उनको पिंक कर सकते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमने जो डेस्कटॉप के अंदर जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको अनेबल किया और अनेबल करने के बाद हमने क्या किया हुआ है कि आप ट्रेस राउट एस एस एच पिंग की कमांड्स इस तरह की कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक कमांड का नाम एंटर करते हैं तो वो आगे उसकी हेल्प खोल देता है कि आप इस कमांड को कैसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपल पिंग लिखा विदाउट द नेम ऑफ द सर्वर या उसका आईपी एड्रेस लिखने के बगैर आपने लिखा तो उसने उसका यूज का तरीका कार बता दिया है फिर आपकी जो नेक्स्ट यूटिलिटी है वह है वेब ब्राउजर की वेब ब्राउजर इट कैन बी यूज विदर्वर पी टी और कन्फिगर विद एच आप क्या कर सकते हैं जो एक ऐसा सर्वर जो एच uh, टी के साथ कन्फिगर हुआ है तो आप वहाँ पे एक वेब ब्राउज़र खोल सकते हैं वेब ब्राउज़र में जो फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हैं बैकअप कर सकते हैं फॉरवर्ड कर सकते हैं आप किसी स्पेशल यू आर पे जा सकते हैं और स्टॉप का बटन भी अवेलेबल है जो आपकी जो यू जो आपने एक्सप्लोर की होंगी उनकी जो कैश है या उसकी जो हिस्ट्री है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिर हमारे पास पी वायरलेस की एक यूटिलिटी अवेलेबल होती है आप इस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए आप क्या डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो आपका मॉड्यूल है लाइक लिंक सेस डैश डब्ल्यू एम पी थ्री हंड्रेड एन इस मॉड्यूल की जो सिग्नल सिग्नल स्ट्रेंथ है वो करंटली क्या है इस तरह का आप पी वायरलेस की यूटिलिटी को यूज करके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर तो आपने एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए तो आप क्या कर सकते हैं इस वीपीएन की यूटिलिटी को यूज़ करें और क्या कर सकते हैं दिस वर्क राउटर हैज बिन कॉन्फिगर्ड एज ए वीपीएन सर्वर फिर आप क्या आपके पास एक नेक्स्ट यूटिलिटी अवेलेबल है वो है ट्रैफिक जनरेटर की है विद दिस यूटिलिटी यू कैन क्रिएट कस्टमाइज पैकेट्स ऑन सेंड दम एट पीरियोडिक इंटरवल्स ये ये जो पैकेट ट्रेसर के अंदर एड सिंपल पी है या एड कॉम्प्लेक्स पी के जो टूल्स हैं इनका क्या है? ये ऑल्टरनेट हो सकता है फिर आपके पास एक यूटिलिटी है जिसका नाम है मिप ब्राउजर मिप ब्राउजर क्या है मिप स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ब्राउजर यूटिलिटी है दिस अलाउज़ यू टू क्रिएट सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट तो आप क्या कर सकते हैं एस के जो रिक्वेस्ट हैं वो जनरेट कर सकते हैं थ्रू दिस यूटलिटी फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यूटेलिटी का नाम है सिस्को आई पी कम्युनिकेटर सिस्को आई पी कम्युनिकेटर के साथ आप क्या कर सकते हैं यू कैन टर्न ए कंप्यूटर इन टू एन आई पी फोन विद द हेल्प ऑफ दिस यूटेलिटी दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन ए सर्वर फिर आप क्या कर सकते हैं आप ई मेल्स को सेंड कर सकते हैं ई मेल्स को रिसीव कर सकते हैं इस यूटिलिटी के साथ फिर आपके पास एक यूटिलिटी है जिसका नाम है टेक्सट एडिटर टेक्स्ट एडिटर को खोल के आप क्या कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं उनको एडिट कर सकते हैं उनको सेव कर सकते हैं तो इस टॉपिक में हम लोगों ने आ, हमारे जो एंड डिवाइसेस के जो यूटिलिटीज़ हैं जिन, जिन जिनको यूज़ करके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड डिवाइसेस को उनका इस्तेमाल करना सीखा उनकी यूटिलिटीज़ को अंडरस्टैंड किया है हमने